हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में एनसीईआरटी 7.9 एक्सरसाइज का डिस्कशन करेंगे। चूँकि 7.9 को बनाने के लिए जितना कंसेप्ट एंड थ्योरी का ज़रूरत था, ठीक है, वो हम आपको इससे पहला लेक्चर में ही है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर में ही बता दिए हैं। चलिए आज हम इसके हर एक क्वेश्चन का डिस्कशन कर लेते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन का तो नहीं करेंगे, जो बनने के योग्य हैं, जो आपसे बन जाएगा, ठीक है ना, उसको हम आपको यहाँ बता देते हैं, ये आपको आपसे बन जाएगा, और जो नहीं बनेगा उसको हम कर देते हैं, ठीक है। चलिए ट्राई करते हैं 7.9 एक्सरसाइज का डिस्कशन, और 7.10 एक्सरसाइज का भी डिस्कशन हम आज ही करेंगे इसी लेक्चर में। चूँकि 7.9 में मेरे को ज़्यादा नहीं लग रहा है कुछ भी करने के लिए है, ठीक है, आप आसानी से इसका डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है ना। 7.10 का भी डिस्कशन आज हम इसी लेक्चर में कर लेंगे, चूँकि 7.10 टाइप का जो भी क्वेश्चन है पहला लेक्चर में ही हम डिस्कशन कर लिए हैं, ठीक है, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को लगा लिए हैं पीछे वाले, मतलब पहला लेक्चर में ही डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो है। अब तब इसके बाद फिर हम अगला लेक्चर प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी का प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। चलिए 7.9 एक्सरसाइज, ठीक है। अच्छा देखिए इसमें क्या है, हो जाएगा आपसे, हम क्वेश्चन लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए इसमें क्या है, -1 से 1 के बीच में इंटीग्रेट करना है x+1 इंटू डी एक्स को। x का इंटीग्रेशन क्या होता है इसका, सबसे पहले क्या हम आपको क्या बताएं, सबसे पहले इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को हम इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट को रख करके सब्ट्रैक्ट कर देना देंगे, है ना। तो x का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, x2/2, और फिर 1 का क्या हो जाएगा x, और c नहीं इसमें लगाते हैं क्योंकि आपको मालूम है c अंतिम में कैंसिल ही हो जाता है, इसमें x की जगह पर क्या करेंगे हम 1 रख देंगे। तो 1 का square by 2, दिस इज 1/2 + 1, फिर माइनस, फिर x की जगह -1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2, फिर इसके जगह पर रखेंगे तो -1, ठीक है ना। अब चलिए ये और ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ये सब। अब हम ये नहीं करेंगे चूँकि उस दिन जो हम आपको पढ़ाए हैं पहला लेक्चर के हेल्प से, आप ये सब क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, ये सब करने के लायक नहीं है, करने के लायक रहता तो हम पक्का कर देते हैं। 1/x का क्या होता है, log x, मॉड लेने का ज़रूरत नहीं है, 2 से 3 के बीच में यदि x लाई करेगा, ठीक है ना, तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा x। स्क्वायर ब्रैकेट ले लीजिए, यहाँ 3 यहाँ 2, फिर यहाँ पर रख लीजिए log 3 माइनस log 2, log m माइनस n क्या होता है, log m बाय n, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें क्वेश्चन है कितना है, 22, ठीक है, और 10 मिनट का है ये एक्सरसाइज, 10 मिनट से ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए ऐसे आप लोगों को भी, यदि आप पहला लेक्चर जो हम लिए हैं उसको अच्छे से किए हैं तो। इसमें देखिए क्या है, 1 से 2 के बीच में इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट कर करके वैल्यू रख लीजिएगा, ठीक है, काफ़ी आसान है। sin 2x dx 0 to π/4, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2x का माइनस cos 2x by 2x का जो कोफिशियंट उसे डिवाइड लगा लेंगे, और यहाँ हो जाएगा क्या, π/4, नीचे क्या 0। चलिए अब इसमें x की जगह क्या रख देते हैं, π/4, तो क्या हो जाएगा, -cos 2 × π/4, अच्छा बाई 2 है टोटल में, और उसके बाद फिर यहाँ पर रख देंगे x की जगह पर 0, cos 0, यहाँ हो जाएगा क्या, -cos 0/2, ओके। और यहाँ देखिए इससे, अच्छा यहाँ π/4 होगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या, π/2 cos π/2 होता है 0 0/2 0, -−+1/2, दिस इज 1/2, समझ में आया क्या। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4-5 है ना, काफ़ी आसान है, केवल इंटीग्रेट करके अपर लिमिट लोअर लिमिट को तो रखना है इसमें, और करना क्या है, cos 2x × dx, और 0 to π/2 में इंटीग्रेट करना है, तो कॉस का क्या होता है, sin 2x/2, और यहाँ क्या, π/2 और 0। चलिए इसमें रखते हैं x की जगह पर π/2, x की जगह पर यदि हम π/2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, sin 2 × π/2, चलिए कर देते हैं, π/2 माइनस sin 2 × 0/2। यदि आपको थोड़ा मोड़ा महसूस हो तो sin π का वैल्यू पता होना चाहिए, साइन याद रखिएगा, साइन एन पाई का वैल्यू होता है क्या, 0, जब एन इंटीजर रहे, डेट इज़ आप ऐसे बोल सकते हैं, साइन 5 पाई साइन
सेवन पाई साइन, नाइन पाई, ये सब का वैल्यू क्या होता है? जीरो, जीरो के बराबर होता है। मतलब साइन एन पाई का वैल्यू क्या होता है? जीरो। तो अच्छा, ये पाई बाय टू सबसे नीचे है, है ना, ऐसे पूरे में डिवाइड डिवाइड लगाया हुआ है, ठीक है। साइन पाई का वैल्यू जीरो, जीरो बाय टू माइनस जीरो बाय टू, दिस इज जीरो, ठीक है। काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर सिक्स में चलिए, क्वेश्चन नंबर सिक्स में देखिए क्या है। e का पावर x का इंटीग्रेशन वही होता है, और यहाँ क्या हो जाएगा, 5 बाय फोर, e का पावर 5 माइनस e का पावर 4, यहाँ से निकल सकता है e का पावर 4 कॉमन, e माइनस 1 हो जाएगा। आगे चलिए, टेन एक्स को इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई बाय 4 में। टेन का क्या होता है इंटीग्रेशन, लॉग मॉड sec x, 0 से पाई बाय 4 के बीच में sec क्या होता है, हमेशा ही पॉजिटिव होता है, मॉड यदि नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 0 से पाई बाय 4। अब इसमें वैल्यू रख करके आप क्या कीजिएगा, वैल्यू निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, cosec x को इंटीग्रेट करना है पाई बाय 6 से पाई बाय 4 तक। इससे ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन हम पहला लेक्चर में लगा दिए थे, ठीक है। ये काफ़ी बेसिक प्रॉब्लम सब है, ये सब आपको करने के लिए आना चाहिए। क्वेश्चन है देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर एट में है, cosec x dx और कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक है, पाई बाय 6 से पाई बाय 3 तक या पाई बाय 4 तक, पाई बाय 4 तक, ठीक है ना। cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log mod cosec x माइनस cot x, c तो देना ही नहीं है, ठीक है। अब ये आ गया, अब चलिए इसमें वैल्यू डालते हैं, पहले थोड़ा सा आपको दिक्कतें आ सकती है, क्या आ जाएगा, log mod cos एक पाई बाय 4 माइनस cot पाई बाय 4, फिर माइनस log mod cos एक पाई बाय 6 माइनस cot पाई बाय 6, ये देखिए क्या हो जाएगा, log mod ये हो जाएगा रूट टू माइनस 1, ऐसे रूट टू माइनस 1 तो पॉजिटिव ही होता है ना। रूट टू का वैल्यू क्या होता है, रूट टू का वैल्यू 1.414 है ना, मतलब यदि हम डेसिमल के आगे तीन प्लेस तक यदि हम लें तो, है ना, वैल्यू रूट टू का। अच्छा तो फिर यहाँ कितना आ जाएगा, cosec पाई बाय 6, ये होता है 2, और इधर ये क्या आ जाएगा, अच्छा रूट 3, पॉजिटिव ही आएगा चूँकि 2 जो होता है रूट 2 से ग्रेटर, रूट 3 से ग्रेटर होता है। log m माइनस n क्या हो जाएगा, log m बाय n, रूट 2 माइनस 1 बाय, बस हो गया। आप चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं इसको लेकर के, रेशनलाइज कर लीजिए, ठीक है, करने का ज़रूरत नहीं है ऐसे। क्या आंसर में दिया हुआ है इसको थोड़ा हम देखने गए हैं, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय डी एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है। इसमें रखेंगे साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 होता है पाई बाय 2, साइन इनवर्स 0 0, दिस इज क्या, पाई बाय 2, ठीक है ना। अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा, 0 टू 1 डी एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, टैन इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा टैन इनवर्स एक्स, यहाँ कांस्टेंट नहीं लिखेंगे हम, अब इसमें रखिएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, टैन इनवर्स 1 माइनस टैन इनवर्स 0, ये हो जाएगा पाई बाय 4 माइनस 0, दिस इज पाई बाय 4। बहुत ही मतलब हल्का हल्का क्वेश्चन सर, बनाने का मन नहीं कर रहा है मेरे को, मेरा, ठीक है, फिर भी मैं बना देता हूँ। इसमें देखिए क्या है, 3 टू 1 बाय
एक्स स्क्वायर माइनस वन इन टू, ये इसको नहीं कुछ है तो वन का स्क्वायर कर देते हैं, तो याद कीजिए वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन कीजिएगा, वैल्यू रखिएगा, ठीक है, इंटीग्रेट करके वाले यहाँ तो वैल्यू रखना है और थोड़ा ना कुछ करना है यहाँ पर। इसमें देखो क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से पाई बाय टू तक, ये तभी इंटीग्रेट कर पाएंगे हम कॉस स्क्वायर एक्स को जब कॉस का पावर क्या रहेगा, कॉस का पावर रहेगा वन, ठीक है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर है सो क्या करना चाहिए मेरे को, पावर रिड्यूसिंग फॉर्मूला यहाँ पर लगा लेना चाहिए, ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, इसका फॉर्मूला क्या लगाएंगे, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, यहाँ हो जाएगा जीरो से पाई बाई टू, पाई वन बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लीजिए, ठीक है, अब करना क्या है यहाँ पर, अब इसको अलग से इंटीग्रेट कर लीजिए, इसका वन का इंटीग्रेशन एक्स हो जाएगा कॉस टू एक्स का साइन टू एक्स बाई टू, और यहाँ क्या हो जाएगा पाई बाई टू, यहाँ जीरो, अब आप वैल्यू रख करके निकाल लीजिएगा, इतना तो हम नहीं कर सकते, ठीक है, कल के लेक्चर में हम इस टाइप का क्वेश्चन ले लिए हैं, ये आपका खुद से काम है करने का, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है, 2x प्लस 3 बाय 2x प्लस 3 बाय 5x स्क्वायर प्लस क्या 1 इंटू डी एक्स, है ना, अब इसको ऐसे कैसे इसको हम बनाएं, है ना, पहले एक बार दिमाग लगाते हैं इसको बनाने का और कोई तरीका है क्या, हम आपको बताए थे नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर रहता है, तो न्यूमरेटर को क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डीसी के टर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डीसी के टर्म में लिख लेते हैं, तो इसका डीसी देखिए कितना आ रहा है, इसका डीसी आ रहा है 10x, केवल 10x, कॉन्स्टेंट का होता है 0, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ दे दीजिए 10x, ठीक है, इसमें कितना से डिवाइड लगाना पड़ेगा कि आपका ये 2x आ जाएगा, इसमें आपको नहीं नहीं 1/5 से, प्लस 3 है तो रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, बाय क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक था इसका लिमिट, अच्छा इसका लिमिट था 0 to 1, एक मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन था ये ना, ठीक है, अब इसको स्प्लिट कर लेते हैं, स्प्लिट करने का मतलब इतना को अलग कर लेते हैं, इसको अलग कर लेते हैं, देखिए क्या क्या हो जाएगा, ठीक है, 1/5 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, हो जाएगा क्या 10x बाय 5x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स, अच्छा यहाँ भी लिमिट तो ऐसे ही चलेगा ना, यहाँ से 3 को कॉन्स्टेंट है बाहर कर लीजिए, वन है ना, अच्छा इसको कैसे कोई बनाएगा, इसको ऐसे बनाएगा ना, अच्छा रूट 5x का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला क्वेश्चन चलेगा, वन सेकेंड में देख लेता हूँ, लगता दिख नहीं रहा है क्या ये, अच्छा ये दिख नहीं रहा है, अब सही है, ठीक है ना, अब क्या करेंगे यहां पर देख लीजिए, इसका इसका डीसी डायरेक्ट ऊपर है, लॉग मॉड नहीं लेने का है, ठीक है,
मॉड इसलिए नहीं लेंगे, 5x² + 1 हमेशा पॉजिटिव आएगा, वैसे भी x 0 to 1 है, 1 0, इसमें आप वैल्यू रख सकते हो, इसको इसमें रखना, फिर इसको इसमें रखना, ठीक है। इसमें जैसे इसको रखोगे तो आ जाएगा log 1 होता है 0, आपका काम है इसको कर लेना, मेरा तो जो काम है हम कर रहे हैं। तो ये किस फॉर्मूला पर आ गया, 1/x² + a² का इंटीग्रेशन, इसका क्या होता है 1/a tan inverse x/a, क्या आ जाएगा 1/a की जगह क्या है 1 tan inverse x/a, जो x का कोफिशियंट है उससे डिवाइड भी लगाना है, 0 to 1, ठीक है। अब वैल्यू रख करके आराम से आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आप तो कर सकते हैं ना। x(e)(x²)dx कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 1, तो हम आपको बताए थे सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए, यदि e के पावर में f(x) दिखे, f(x) dx, ठीक है, मतलब जो e के पावर में उसी का dc यदि यहाँ पर रहता है, तो हम आपको बताए थे f(x) को t डालने के लिए, अभी dc नहीं है, x² का dc आता है क्या 2x, अच्छा 2 रहे या नहीं रहे उसके लिए दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट मेरे को कभी भी दुख नहीं पहुँचाएगा, दुख पहुँचाता है तो हमेशा वेरिएबल, और यहाँ पर वेरिएबल साथ दे रहा है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, x² को यहाँ पर t डाल देंगे, ठीक है, चलिए डालते हैं, ऐसे नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x dx = क्या dt x(dx) = 1/2 dt, x यदि हम 0 रखें तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0, x 1 रखें तो इसका वैल्यू आ जाएगा क्या 1। कितना नंबर का क्वेश्चन है ये, 15, अच्छा तो जहाँ 0 है वहाँ 0, जहाँ 1 यहाँ 1, x(dx) देख लीजिए, इसको एक साथ करेंगे तो आ जाएगा क्या 1/2 dt, e^t 1/2 dt, 1/2 बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या e^t dt, 0 to 1, e^t का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/2 e^t, यहाँ square bracket 1, 0 to 1, e का पावर रख देंगे क्या 1 - e^0, दिस इज 1/2 e - 1। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, 5x² + 4x + 3 अब देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे, ठीक है, इसके लिए करना कुछ नहीं है, देखिए यहाँ पर ये क्या है, इम्प्रोपर रेशनल एक्सप्रेशन है ना, इम्प्रोपर रेशनल एक्सप्रेशन यदि आपको इंटीग्रेंड में दिख जाए, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले न्यूमरेटर में डिनोमेटर से डिवाइड लगा देते हैं, न्यूमरेटर में डिनोमेटर से क्या करेंगे डिवाइड लगा देंगे, या 5 पहले कॉन्स्टेंट है इसको बाहर निकाल लीजिए तो ज़्यादा मज़ा आएगा। वन टाइम्स इसमें लगाएंगे क्या आ जाएगा x² + 4x + 3 कैंसिल हो जाएगा, -4x - 3, दिस इज माइनस कॉमन हो जाएगा यहाँ से 4x + 3, मतलब हम इसको क्या लिख सकते हैं x² को इतना इंटू इतना प्लस इतना है ना, x² + 4x + 3 × 1 करेंगे यही आएगा, प्लस या माइनस कर लीजिए 4x + 3,
अब एक्स स्क्वायर जहाँ पर है उसके जगह पर क्या करना है, इसको रख लेना है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 2, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या 3 इंटू dx। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्प्लिट कर लेंगे, ठीक है, अलग अलग कर लेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे। हम दोनों ही टाइप के फंक्शन को बताए हैं, आप याद कीजिए कल वाले लेक्चर, या आप ऐसे समझिए कल, यदि आप नहीं बोलते हैं तो लेक्चर नंबर 1 समझिए आप ऐसे, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का पहला लेक्चर में ही हम इस टाइप के क्वेश्चन को इंटीग्रेट करने के लिए बताएं। सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे, है ना, अलग अलग कर लीजिए, अलग अलग जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या, 1 माइनस, या चलिए dx बचेगा 1 टू 2, फिर माइनस, है ना, 5 इंटू 1 से 2 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय, अब इस टाइप के फंक्शन को कैसे इंटीग्रेट करना है ये भी हम बता दिए हैं। इसका जो dc है इसको न्यूमरेटर में आप क्या कीजिए, डालिए, ठीक है। ऐसे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को आप याद कीजिए, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हम आपको बताए हैं क्या क्या सब बताए हैं, यदि नीचे ऊपर न्यूमरेटर में लीनियर है और डिनोमेटर में यदि क्या रहता है, क्वाड्रेटिक रहता है, तो क्या करते हैं, हम न्यूमरेटर को लिख लेते हैं डिनोमेटर के dc के टर्म के रूप में, है ना, फिर उसके बाद स्प्लिट कर लेते हैं, अलग अलग करेंगे, इंटीग्रेबल फॉर्म पर आ जाता है फंक्शन, और सबका आप इंटीग्रेशन जानते हैं, हर एक का इंटीग्रेशन आप ऑलरेडी पहले से जानते हैं। क्या हो जाएगा इसका dc क्या आ जाएगा, 4x 2x प्लस 4 है ना, 2x प्लस 4 यहाँ है क्या, 4x है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं कितना आ जाएगा, 8, लेकिन यहाँ देखिए 3 है तो माइनस 5 करेंगे तभी जा करके न्यूमरेटर बैलेंस हो पाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस क्या 4x प्लस 3 इंटू dx। अच्छा इधर क्या लिखेंगे, इधर कुछ दिख रहा है क्या यहाँ तक, दिक्कत आ रही है ना, पहले क्या है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x, आप निकालिएगा x हो जाएगा, x में अपर लिमिट रखना है 2 और लोअर लिमिट रखना है 1, फिर 5 कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, इसका dc क्या है, 2x प्लस 4, 2x प्लस 4 को आप न्यूमरेटर में शिफ्ट कीजिए और देखिए यहाँ पर क्या है, 4x है, 4x लाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, कितना आ जाएगा, 4x तो आ गया लेकिन यहाँ प्लस 3 को बैलेंस करना है, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8, और यहाँ इसमें से 5 जब हम सबट्रैक्ट करेंगे तब जा करके मेरे को मिलेगा न्यूमरेटर इसका इनके dc के टर्म में। अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1, स्प्लिट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 इंटू 2x प्लस 4 बाय क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx। अच्छा एक साथ थोड़ा एक स्टेप और, ऐसे पहले तो मेरे को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इसका निकाल लेना चाहिए, तब बार बार लगाएंगे तो सही रहेगा। इसी का dc न्यूमरेटर में है, ये तो हो जाएगा 5 माइनस 5 इंटू, इसी का dc न्यूमरेटर में, तो 2 कॉमन निकल जाएगा, क्या बचेगा, 5 टू 10 log x स्क्वायर प्लस क्या 4x प्लस 3। ठीक है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -25 माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 1 बाय x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इंटू dx, यहाँ 1 और यहाँ क्या 2। ये सब का वैल्यू कैसे निकलेगा ये आपको पता है, इसमें ये रखेंगे फिर इसमें ये रखेंगे, ठीक है, 5 माइनस 10 इंटू log, इसमें 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 8 4 12 3 15, और 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 4 8। अच्छा
प्लस 25, इसको क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करने का मेथड क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर में इसको बदल लेंगे पहले, और उसके बाद फिर इसका वो 9 इंपॉर्टेंट इंटीग्रल्स जो हम आपको बताए हैं उसी में से किसी एक फॉर्म पर आ जाएगा ये, ठीक है। और फिर इंटीग्रेट आराम से हम कर लेंगे, और लोअर लिमिट अपर लिमिट को उसमें क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करके डिफरेंस ले लेंगे इसका। अच्छा तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे हम लिख देते हैं डायरेक्ट, देखिए यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x है ना, आप चाहें तो ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, हम आपको बता दिए हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ए इंटू एक्स प्लस बी बाय 2a का होल स्क्वायर माइनस डी बाय 4a स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस के सामने में बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो मेरे जैसा आप इतना जल्दीबाजी में नहीं कर पाएंगे हर एक चीज़, ठीक है, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। सो आप याद रखिएगा इसका जो हम कर रहे हैं ना यही फॉर्मूला लगा करके, ये जो है, या तो आप ऐसे समझिए कि मेरे को ये याद है, ऐसे याद नहीं है, बट आपको ये मान लेना है कि मेरे को ये याद है, हम आपको बता दिए पहले ही ये फॉर्मूला पर बैठा के करने के लिए। तो अब हम बिल्कुल भी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 4 आ जाएगा, यहाँ है 3, तो यहाँ माइनस 1 कर लेते हैं इंटू डी एक्स, नहीं कुछ है तो 1 का स्क्वायर 5 माइनस 10 इंटू लॉग एम माइनस एन, एम बाय एन हो जाएगा प्लस 25, और ये क्या हो जाएगा 1 बाय ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1 बाय 2 ए लॉग मॉड एक्स प्लस 2 माइनस 1 बाय एक्स प्लस 2 प्लस 1। चलिए अब आपका काम है केवल यहाँ पर क्या करना, इसका वैल्यू निकाल लेना, ये तो हम नहीं निकालेंगे ना, यहाँ पर इतना भी आप कर सकते हो आराम से, इसको इसमें पहले तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे सब। अच्छा चलो यार कर देते हैं, ये भी बाहर निकल जाएगा 25 बाय ये, और ये x प्लस 1 बाय एक्स प्लस 3 मॉड हट जाएगा। अब इसमें रखना है 2, अब फिर रखना क्या है 3, 1 रखना है, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है, थोड़ा सा बड़ा है क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा बड़ा है, 5 माइनस 10 लॉग 15 बाय 8 प्लस 25 बाय 2, चलिए इसमें रखते हैं 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा log ऊपर में आ जाएगा क्या 3 बाय 3.5 है ना, 3 बाय 5 माइनस log 1 रखेंगे कितना आ जाएगा 2 और 4 log 2 log m माइनस n log m बाय n होता है। ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन है, अरे यार ये क्यों फंस जाता है यहाँ। ये हो जाएगा क्या 3 बाय 10, यही आंसर है इसका, ठीक है, आप मिलाइएगा अपना। sec स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू डी एक्स 0 to π/4, ये क्वेश्चन नंबर है क्या 17, ये आसानी से बन जाएगा, ठीक है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन लगा लीजिएगा, और एक्स क्यूब का और 2x का, और अपर लिमिट लोअर लिमिट रख लेना है यहाँ पर 18 में क्या है साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है 0 to π में, अभी ये फॉर्मूला पर नहीं आ रहा है, ठीक है, यदि माइनस कॉमन कर लें, चूँकि हम आपको कॉस स्क्वायर एक्स, अच्छा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला बताएं क्या कॉस 2x, लेकिन कॉस अब यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2 और साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 यदि रहेगा तो क्या आ जाएगा कॉस x आ जाएगा ना,
तो यहाँ लेकिन इसके लिए माइनस को कॉमन करना पड़ेगा। चलिए माइनस कॉमन कर लेते हैं। माइनस कॉमन जब करेंगे तो आ जाएगा क्या, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू डी एक्स, ये आ जाएगा कॉस एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। अब यहां पर अपर लिमिट लोअर लिमिट आप रखिएगा, जीरो आ जाएगा इसका आंसर। ऐसे साइन पाई भी जीरो और ये भी जीरो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। इसको कैसे बनाएंगे, इसका जो डीसी है ना, इसको न्यूमरेटर में आप लिख लीजिए। इसका डीसी कितना है, 2x, 2x इसका डीसी होता है। इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जा करके 6 आएगा। अब चलिए स्प्लिट कर लेते हैं, अलग अलग जब करेंगे हम थ्री कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, यहाँ 0 यहाँ 2। अच्छा फिर 1 बाय इसी का डीसी न्यूमरेटर में है तो आ जाएगा लॉग 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। अच्छा अब ये आप कर लीजिएगा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, 1/a tan इनवर्स x बाय ए, ये वाला पढ़े ये एक्स स्क्वायर 1/x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x बाय ए प्लस सी। ऐसे इसमें प्लस सी ऐड करने का कोई मतलब ही नहीं है। देखिए क्या है आगे 20 नंबर में, 20 में x इंटू ई का पावर x प्लस साइन पाई बाय 4x। यहां देखिए स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है, अलग अलग कर लेते हैं इसको और इसको। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू ई का पावर x इंटू डी एक्स 0 to 1 प्लस साइन पाई बाय 4x इंटू डी एक्स 0 to 1। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे हम, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज़ करेंगे। यहाँ पर देखना दो फंक्शन यहाँ पर प्रोडक्ट में है, सो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज होगा। ILAT वर्ड आप जानते हैं, ILATE सबसे लास्ट में होता है क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को क्या करेंगे, फंक्शन 2 मान लेंगे। यहाँ हो जाएगा फंक्शन 2, ये हो जाएगा फंक्शन 1। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ेंगे, सेकंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, फिर यहाँ पर डायरेक्ट अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू डालेंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे जिसको इंटीग्रेट किए थे, फिर उसी को इंटीग्रेट भी करेंगे या फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल लेंगे। ठीक है, यहाँ 0 यहाँ 1 आ जाएगा, फिर प्लस इसका, इसका क्या आ जाएगा, माइनस कॉस पाई बाय 4x, जो x का कोफिशियंट है उससे आप क्या कीजिए, डिवाइड लगाइए और यहाँ 1 यहाँ 0। ठीक है ना, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, जब इसमें हम x के जगह पर 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 इंटू ई का पावर 1 माइनस 0 इंटू ई का पावर 0। ठीक है, और यहाँ देखिए ई का पावर x का ई का पावर x ही हो जाएगा, 1 यहाँ 0 हो जाएगा माइनस। यहाँ हो जाएगा क्या, 4/π, और ये बाहर निकल जाएगा, और इसमें आप x के जगह पर 1 रखिएगा, x के जगह पर जब आप 1 रखेंगे तो आ जाएगा क्या, cos पाई बाय 4, इसमें रखेंगे तो आ जाएगा क्या, cos 0। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप वैल्यू निकाल सकते हैं इसका आसानी से, तो ये आ जाएगा क्या, e, यहाँ पर e आ जाएगा, यहाँ पर रखेंगे तो माइनस e ही आएगा,
जब अच्छा अच्छा नहीं ई माइनस ई का पावर जीरो, ई माइनस ई का पावर जीरो है ना, माइनस फोर बाय पाए। अच्छा यहाँ पर इसका वैल्यू आता है क्या, वन बाय रूट टू माइनस वन, निकालिएगा यहाँ से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वन माइनस ये आएगा। काफ़ी आसान है, मज़ा नहीं आ रहा है मेरे को कराने में क्वेश्चन, ठीक है, चूँकि हम इतना अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब पहले ही लगा दिए पहला लेक्चर में। ये सब खुद से स्टूडेंट को करना चाहिए, समझ में आया क्या। 21 में देखिए क्या है, डी एक्स बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ये तो इसका सीधा हो जाएगा फॉर्मूला क्या, टेन इनवर्स एक्स, और अपर लिमिट लोअर लिमिट को आप रख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 22 में क्या है, मज़ा नहीं आ रहा ये सब कराने में, डी एक्स बाय फोर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से थ्री बाय टू तक, आप खुद से कीजिएगा। यहाँ डी एक्स बाय यहाँ टू का स्क्वायर प्लस थ्री एक्स का होल स्क्वायर कर लेना है, जीरो से थ्री बाय टू तक, अपना ही कीजिएगा। इतना सारा क्वेश्चन हम करके दिखा दिए हैं तो ये होना चाहिए ना खुद से। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर किस पर नहीं, एक्सरसाइज अब 7.10 का, आज हम 7.10 एक्सरसाइज का भी डिस्कशन इसी लेक्चर में कर रहे हैं, ठीक है। सेवन पॉइंट टेन में जो डिस्कशन होगा सब्स्टिट्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, ये इसका भी कंसेप्ट हम आपको दे चुके हैं, वहां पर पहले ही बता दिए हैं, ठीक है ना, पहले ही हम आपको बता दिए हैं। क्वेश्चन नंबर वन एक्सरसाइज 7.10 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर वन में x बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डी एक्स, यहाँ है जीरो यहाँ है वन, ये क्वेश्चन हम कल किए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वन को t डाल करके, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन को t डाल दीजिए, दोनों तरफ डिफरेंस ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 2x dx इक्वल्स टू क्या dt, अच्छा dx इक्वल्स टू dt बाय 2x, फिर यहाँ x यहाँ t, x की जगह पर रखेंगे 0, x की जगह 0 रखेंगे तो t की जगह पर 1 आएगा, x की जगह पर 1 रखेंगे t की जगह पर 2 आएगा, वन और टू, अच्छा क्या क्या क्या, एक्स बाय टी, और यहाँ आ जाएगा डी टी बाय टू एक्स, अच्छा नहीं अब कुछ नहीं, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, वन बाय टू बाहर निकल जाएगा, यहाँ हो जाएगा वन, यहाँ हो जाएगा टू, वन बाय टी, और ये क्या हो जाएगा डी टी। इसको सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से ही बनाना है, इसीलिए यहाँ पर हम क्या किए, सब्स्टिट्यूट कर लिए यहाँ पर, तो वन बाय टी का क्या होता है लॉग टी, अब मॉड यहाँ लेने का ज़रूरत ही नहीं है, अच्छा ये क्या हो जाता है मेरे से, यहाँ टू होगा ना, वन बाय टू कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ टू यहाँ वन, क्वेश्चन नंबर टू, अब जैसे देखिए इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है मेरे को, ठीक है, इस फंक्शन को मेरे को इंटीग्रेट करना है, तो क्या करेंगे हम, साइन फाई इक्वल्स टू टी स्क्वायर डालेंगे यहाँ पर, याद रखिएगा साइन फाई इक्वल्स टू टी स्क्वायर, हम आपको बता दिए थे इंटीग्रेट में यदि एन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स इन्वॉल्व रहे, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी का पावर एन डालते हैं, यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ साइन फाई है, तो साइन फाई इक्वल्स टू हम क्या करेंगे टी स्क्वायर डालेंगे, है ना, अरे एन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स यदि इंटीग्रेंट में इन्वॉल्व रहता था तो एफ ओफ एक्स इक्वल्स टू हम लोग क्या करते थे टी का पावर एन डालते थे, यहाँ भी रूट अंडर साइन फाई है तो साइन फाई इक्वल्स टू हम क्या करेंगे टी स्क्वायर डालेंगे, यहाँ स्लिट या पुट कर लेना है टी स्क्वायर, फिर दोनों तरफ डी ले लेते हैं,
तो ये आ जाएगा क्या, कॉस फाई डी फाई इक्वल्स टू टू टी डी टी। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, अब हम एक्स और एक्स का वैल्यू देख करके टी का वैल्यू निकाल लेते हैं इन टर्म ऑफ, है ना। एक्स का वैल्यू देंगे, टी का वैल्यू निकाल लेंगे, किसी के टर्म में नहीं, टी के टर्म में ही वैल्यू निकलेगा ना, टी का वैल्यू निकलेगा कॉन्स्टेंट के टर्म में। तो यहाँ रखेंगे हम क्या, एक्स का वैल्यू पाई बाय टू, जब हम एक्स का वैल्यू पाई बाय टू रखेंगे तो साइन पाई बाय टू होता है वन, समझ में आया क्या, टी का वैल्यू भी वन आ जाएगा। जीरो रखेंगे तो जीरो आ जाएगा, साइन जीरो जीरो, कोई दिक्कत नहीं। अरे यहाँ पर हम क्या किए, यहाँ पर रखो ना इसके जगह पर पाई बाय टू रखोगे, अच्छा नहीं टी नहीं है फाई है, एक्स नहीं है फाई है, एक्स के जगह पर यदि हम क्या रखेंगे फाई रखेंगे, पाई बाय टू रखेंगे तो क्या आ जाएगा इसका वैल्यू, इसके जगह पाई बाय टू रखेंगे साइन पाई बाय टू वन। ठीक है, ऐसे ये नहीं सोचना है कि टी स्क्वायर इक्वल टू हो गया वन तो टी इक्वल टू प्लस माइनस वन, ऐसे नहीं सोचेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं। पॉजिटिव वैल्यू आप लो, चूँकि हमेशा हम लोग क्या करते हैं ना, टी इक्वल टू रूट अंडर ऐसे ये मान करके चलते हैं, टी इक्वल टू रूट अंडर साइन फाइव, तो स्क्वायर कर देते हैं हम। अब आप यहाँ पाई बाय टू रख करके देखो, देख लो यहाँ पर टी का वैल्यू हमेशा वन आएगा। क्या करते हैं हम लोग, जो स्क्वायर रूट है ना पूरे को टी डालते हैं, ऐसे पूरे को क्या करते हैं टी डालते हैं, बट हम स्क्वायरिंग इसलिए कर देते हैं, जैसे मान लीजिए साइन फाइव है इतना इक्वल टू टी है, यदि हम स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर नहीं नहीं रूट हटेगा और ये आ जाएगा टी स्क्वायर, इससे बढ़िया कि डायरेक्ट हम साइन फाइव को ही क्यों नहीं टी स्क्वायर डालें। अब यहाँ यदि आप इसके जगह पर रखते हो क्या, इसके जगह रखोगे पाई बाई टू, पाई बाई टू रखोगे तो साइन पाई बाई टू आ जाएगा वन, वन का स्क्वायर रूट वन होता है, जीरो का जीरो, ठीक है, यही हम बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। अच्छा फ्रॉम वन, बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, ये सब क्वेश्चन आपसे खुद से बनना चाहिए। अच्छा तो इसके जगह रखेंगे टी स्क्वायर, यहाँ वन यहाँ जीरो, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, एक कॉस तो इसको चाहिए ना, कॉस फाई डी फाई, एक कॉस को बाहर कर देते हैं, यहाँ क्या हो जाएगा कॉस का पावर फोर फाई इंटू कॉस फाई डी फाई, ये हो जाएगा टी, टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट टी, इसको लिख लेते हैं क्या साइन नहीं कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और ये पूरे को क्या कर लेते हैं टू टी डी टी कर लेते हैं। अच्छा ये हो जाएगा टी इन टू, ये वन माइनस साइन स्क्वायर, वन माइनस साइन स्क्वायर, अच्छा ये क्या करें फाइव फाइव टू टी डी टी, और यहाँ जीरो यहाँ वन, अच्छा टू कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, टी इंटू टी टी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ रखेंगे साइन फाई, आप किसको माने टी स्क्वायर को, देख लीजिए साइन फाई आप माने टी स्क्वायर को, इसके जगह आ जाएगा टी का पावर फोर, तो वन माइनस टी का पावर फोर, और ये टी मिला करके हो जाएगा क्या टी स्क्वायर इंटू डी टी। अच्छा अच्छा इसका स्क्वायर है, अब यहाँ करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, इसको इसे करेंगे तो क्या आ जाएगा टी का पावर टेन, फिर इसको इसे करेंगे तो आ जाएगा क्या माइनस टू इंटू टी का पावर फोर प्लस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब ये आसानी से इंटीग्रेट हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट का वैल्यू डाल दीजिएगा, ठीक है, सबसे बड़ा यही टू क्वेश्चन था इसमें, अब तो आसान आसान क्वेश्चन सब आ जाएगा सामने में। बड़ा था बट आसान है, nth रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स यदि इंटीग्रेंड में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है ना, तो क्या करते हैं हम उतना इक्वल्स टू टी स्क्वायर डालते हैं, जो नहीं टी का पावर एन डालते हैं, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टी का पावर एन डालते हैं। यहाँ देखो साइन फाई रूट के अंदर में है, तो साइन फाई इक्वल्स टू क्या कि हम टी स्क्वायर डाल दिए, दोनों तरफ मेरे को डिफरेंशियल लेना है, तो डी इसका डिफरेंशियल साइन फाई का डिफरेंशियल क्या आ जाएगा कॉस फाई डी फाई, ठीक है, साइन फाई का क्या आ जाएगा कॉस फाई डी फाई, और टी स्क्वायर का टू टी डी टी, उसके बाद यहाँ तक हो गया, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे फाई का वैल्यू रखेंगे टी का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि फाई का वैल्यू पाई बाय फोर यदि हम रखेंगे, अपर लिमिट का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, ये सब तो फाई का ही वैल्यू है ना, फाई का वैल्यू पाई बाय टू है, फाई का वैल्यू जीरो है, फाई का वैल्यू यदि हम पाई बाय टू रखेंगे तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ रखेंगे साइन पाई बाय टू वन और टी का वैल्यू वन हो जाएगा, और यहाँ साइन जीरो जीरो होता है, तो यहाँ पर इसमें हम रख दिए आराम से, सबको इंटरचेंज कर दिए टी मतलब इन टर्म ऑफ टी, अब पूरा एक्सप्रेशन टी के टर्म आ गया, ये भी टी का वैल्यू है, ये भी टी का वैल्यू, इंटीग्रेट कर लीजिएगा और टी का वैल्यू
टी के जगह पर वन रखिएगा, फिर घटाइएगा, जीरो रख कर घटा लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री। क्वेश्चन नंबर थ्री में साइन वर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहीं भी यदि आपको 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे, ठीक है, तो आप क्या कीजिए, x के जगह पर हमेशा tan थीटा डाल दीजिए। x के जगह पर क्या कीजिए, tan थीटा डाल दीजिए। x के जगह पर जब हम tan थीटा डालेंगे तो देखिए क्या क्या मिलेगा, डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। x का वैल्यू दे देते हैं, उससे थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। x यदि 1 रखेंगे थीटा आ जाएगा क्या, पाई बाय 4, और x यदि 0 रखेंगे तो आ जाएगा tan 0 0। यहाँ हो जाएगा क्या, पाई बाय 4, यहाँ हो जाएगा 0। साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये हो जाएगा tan 2 tan बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा, sin और sin 2 थीटा इक्वल्स होता है 2 थीटा, और यहाँ क्या sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। 2 यहाँ से कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या 0 2। ऐसे देखिए थीटा देख करके कहीं आपको ऐसा तो नहीं महसूस हो रहा है ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यहाँ पर थीटा अल्जेब्रिक फंक्शन का काम करेगा, ठीक है। तो आईलेट में देखिए आई एल ए टी ट्रिगोनोमेट्रिक होता है सेकेंड, और ये होता है फर्स्ट। क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, इसका मतलब थीटा को छोड़ेंगे, सेकेंड फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या tan थीटा, और यहाँ पर आप अपर लिमिट लोअर लिमिट रख लीजिए, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन का साइन यहाँ, फिर हो जाएगा क्या पाई बाय 4। फर्स्ट फंक्शन का सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा और इसका डी थीटा, ठीक है। इसमें रख देंगे पाई बाय 4 थीटा की जगह पर, तो आ जाएगा क्या 2 इंटू पाई बाय 4, और यहाँ 0 रखेंगे तो आ जाएगा क्या 0। ये तो हो गया, इसका आ जाएगा क्या log mod, mod यहाँ नहीं रहेंगे क्योंकि 0 से पाई बाय 4 के बीच में क्या है sec, ना sec थीटा हमेशा पॉजिटिव होता है। कर लीजिएगा अब आगे इससे सॉल्व, ठीक है। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 0 से 2 x इंटू एक्स प्लस 2 का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, ठीक है ना। आप क्या कीजिए x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या कीजिए t स्क्वायर डाल लीजिए। इस टाइप का भी क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट में x की जगह क्या रख देंगे, 0 रखेंगे तो आ जाएगा रूट 2, और x की जगह पर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो आ जाएगा 2। तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 2t dt, और यहाँ पर x और t का वैल्यू मेरे को निकालना है। x की जगह यदि हम क्या डालते हैं 2 डालते हैं तो ये आ जाएगा 2, और 0 डालेंगे तो आ जाएगा क्या रूट 2। अच्छा रूट 2 इसके जगह पर आते हैं हम लोग, इसको उठाइए इस साइड कीजिए टी स्क्वायर माइनस 2, और ये हो जाएगा क्या टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2t dt। टू कांस्टेंट है, बाहर निकालिए,
ये आ जाएगा टी इंटू टी टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ रूट टू है, यहाँ टू है, जब इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा टी का पावर फोर माइनस टू टी स्क्वायर इंटू डी टी। आसानी से अब ये इंटीग्रेट हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या टी का पावर फाइव बाई फाइव माइनस टू टी क्यूब बाय क्यूब, और यहाँ टू इंटू टू से रूट टू। अब क्या करना है, टी के जगह पर टू रखेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर टू के जगह पर रूट टू डाल करके क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, आराम से ये सब आपसे हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर। क्वेश्चन नंबर फाइव में देखिए क्या है, साइन एक्स बाय जीरो टू पाई बाय टू। क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, कॉस एक्स का डीसी क्या होता है साइन एक्स, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कॉस एक्स को टी डाल देंगे, इस कॉस को, डी कॉस एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा डी टी, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी टी। ये सब मिला करके क्या हो जाएगा देख लीजिए, माइनस डी टी। अच्छा यहाँ वेरिएबल को भी बदल ही देते हैं, एक्स की जगह यदि हम पाई बाय टू रखेंगे तो कॉस पाई बाय टू होता है जीरो, और यहाँ पर यदि हम इसकी जगह जीरो रखते हैं तो आ जाएगा वन। क्या आ जाएगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ जीरो और यहाँ वन है ना। अच्छा ये पूरा पूरी हो जाएगा माइनस डी टी और यहाँ पर वन प्लस टी स्क्वायर, माइनस है बाहर निकल जाएगा। और ये हो जाएगा टेन इनवर्स टी। आप देखिएगा ये सब बेसिक इंटीग्रेशन सब है, यदि आपको ये सब नहीं आता है ना आप पढ़ने के लायक नहीं है, ठीक है, ट्वेल्थ क्लास में या अलेवेंथ क्लास में। रख देंगे टी के जगह पर जीरो, टेन इनवर्स जीरो हो जाएगा यहाँ पर माइनस टेन इनवर्स वन। अब इससे इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो माइनस माइनस प्लस पाई बाय फोर, दिस इज पाई बाय फोर। क्वेश्चन नंबर फाइव हो गया, क्वेश्चन नंबर सिक्स को चलिए ट्राई करते हैं, नहीं करेंगे ऐसे हम क्वेश्चन नंबर सिक्स को तो बिल्कुल ही ट्राई नहीं करेंगे, केवल हम लिख देते हैं और समझा देते हैं इसको कैसे करना है। पहले तो यहाँ से माइनस को कॉमन कर लीजिए, अच्छा वाला फील आएगा आपको। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस फोर, ठीक है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर में लिख लीजिएगा, ठीक है, इंटीग्रेट कर लीजिएगा अपर लिमिट की जगह पर टू और लोअर लिमिट की जगह पर क्या करना है जीरो रख करके इंटीग्रेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेवन भी वही चीज़ है, सेवन देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव, ये सब हम कर चुके हैं कल ही, या जैसे पहले हम एक बार हम आपको बता दिए इंटीग्रेट इनडेफिनेट करने के लिए हम आपको बताए हैं, केवल वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है ना, और इसमें कुछ भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर एट में, क्वेश्चन नंबर एट में देखिए क्या है, एक क्वेश्चन है जो हम आपको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन बताए थे, कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल्स ई का पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस क्या एफ डैश ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई का पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, इसको कैंसिलेशन ऑफ इंटीग्रल्स के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो उसके लिए देखिए यहाँ पर ई का पावर एक्स होना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए यहाँ पर, दिख रहा है यहाँ पर 2x नहीं होना चाहिए, e का पावर क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, ठीक है। e का पावर x को हम यहाँ पर t कर देते हैं ताकि मेरे को अच्छे से e के पावर x की तरह दिखने लगे, ये 2x equals to t डालेंगे तो क्या आ जाएगा 2 into dx equals to dt, x की जगह पर 2 डालेंगे तो t का वैल्यू कितना आएगा 4, x की जगह 1 डालेंगे तो कितना आएगा 2,
तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 4, x कैसे निकालेंगे, x हो जाएगा t/2, यहाँ पर रखना पड़ेगा ना मेरे को x की जगह पर, x की जगह क्या रखना पड़ेगा, t/2। अच्छा फिर माइनस 1/2 इंटू ये 2 ऊपर जाएगा, 2/ ये आ जाएगा, यहाँ से भी 2, इसका आ जाएगा 1/4, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर भी 2 ऊपर जाएगा, तो टी स्क्वायर और यहाँ पर टी इंटू 1/2 इंटू डी टी, ये टू कॉमन होकर के कैंसिल हो जाएगा इससे। तो देखिए कितना अच्छा ये बन गया है, ये बना क्या, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 1/t और 1/t स्क्वायर, अच्छा इंटू ई का पावर टी इंटू डी टी। देख लीजिए ये वाला फील दे रहा है क्या, ये वाला फील तब आपको महसूस होगा, मेरे ख्याल से लग रहा है आपको तब महसूस होगा जब आप यहाँ ऐसे सोचेंगे 1/t प्लस माइनस 1/t स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा क्या, ई का पावर टी इंटू डी टी। अब देखिए ये जो भी फंक्शन है एफ है उसी का डेरिवेटिव यहाँ पर है, और आपको बता दिए हैं ई का पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश इंटू डी एक्स का जो इंटीग्रल है ना, ई का पावर एक्स इंटू एफ प्लस सी होता है, यहाँ पर आ गया ये वाला फॉर्मूला पर। तो ये क्या हो जाएगा, 1/ ई का पावर टी, एफ के जगह पर क्या है 1/t प्लस सी, ई का पावर, अच्छा सी यहाँ क्यों देंगे हम, चूंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना। अब ये इंटीग्रेट हो गया ई का पावर t/t, अब उसके बाद वैल्यू रख करके सब्ट्रैक्ट कर लेना है, यहाँ पर केवल हो जाना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। अब देखिए इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, जिसका जवाब नहीं है तो इसको कैसे बनाया जाए, इसको बनाने का तरीका देखिए क्या होगा, मतलब यहाँ आपको सोचना है ऐसा ऐसा क्वेश्चन, यदि आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़े होते और भी मतलब कुछ अच्छे लेवल में पढ़ाए तो हैं, अच्छे लेवल में यदि आप जेई के लिए पूरे जेई के लिए पढ़ रहे होते तो इस क्वेश्चन को सोचने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, ठीक है ना, काफ़ी आसानी से सोचा जा सकता था। जब बड़ी बड़ी डिग्री आपको दिखने लगे क्वेश्चन में तो हाईएस्ट पावर जो है, हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है, ठीक है, उसको आप कॉमन कर लिया कीजिए। तो इसमें देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3 है, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं ना, एक्स क्यूब कॉमन कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, x बाय एक्स क्यूब माइनस 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 1/3, और यहाँ पर x का पावर 4 इंटू क्या dx, और 1/3, और यहाँ पर हो जाएगा क्या 1, ठीक है। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग जब करेंगे तो देखिए यहाँ पर ये 3x है, ठीक है, उसका यदि हम क्यूब रूट निकालेंगे तो x बाहर निकल जाएगा, ऐसे आप समझिए ना, a इंटू बी का पावर m का मतलब ये होता है, a का पावर m इंटू बी का पावर m, a का पावर मतलब x क्यूब का पावर 1/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या x, यहाँ हो जाएगा x, और यहाँ कट करके कितना आ जाएगा 1/x स्क्वायर माइनस 1 का पावर 1/3 बाय x का पावर 4 इंटू डी एक्स, और यहाँ पर 1/3, यहाँ 1, इससे इसको कैंसिल कर लीजिए 3 टाइम्स में, कट करके आ जाएगा, तो ये बचेगा क्या 1/x स्क्वायर माइनस 1/3 पावर में, और ये हो जाएगा x क्यूब इंटू डी एक्स, और यहाँ देखिए इसके पावर में 1/3, और ये हो जाएगा क्या 1। अब यहाँ करना कुछ नहीं है, बस एक काम आपको कर लेना है, इसको t डाल देना है, ठीक है, 1/x स्क्वायर माइनस 1 को पूरे एक्सप्रेशन को ही उठाइए, और टी क्यूब भी आप डाल सकते हैं, ठीक है, टी क्यूब डालेंगे तो मेरे को मज़ा आएगा, बट टी भी डाल देते तो भी गलत नहीं होगा, टी क्यूब डालें या टी डालें, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, हम क्या करते हैं ना टी क्यूब डाल देते हैं, तो अच्छा वाला फील आएगा इसमें। यदि हम इसको 1/x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू क्या करें, टी क्यूब डाल दें,
तो डिफरेंशियल ले लेते हैं यहाँ पर। डिफरेंशियल लेने पे देखिए क्या आएगा, डी ऑफ, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन माइनस टू बाय एक्स क्यूब इधर आ जाएगा जीरो इंटू क्या डी एक्स थ्री टी स्क्वायर डी टी। तो डी एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, डी एक्स इक्वल्स टू आगे क्या माइनस माइनस थ्री एक्स क्यूब टी स्क्वायर डी टी बाय क्या टू। अब इसमें रख लेते हैं वैल्यू। अच्छा अपर लिमिट लोअर लिमिट को भी मेरे को चेंज यहाँ कर लेना चाहिए था। यदि हम अपर लिमिट लोअर लिमिट को चेंज करें तो क्या देखिए x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 जीरो आ जाएगा, और यदि हम x के जगह पर 1 बाई 3 डालते हैं, देख लीजिए 1 बाई 3 का मतलब होता है क्या 9 माइनस 1 8 आ जाएगा, कीजिएगा आएगा 8, जहां पर आ जाएगा 1 बाई 3 वहां पर रखेंगे 8 और यहां रखेंगे 0, और इसको रखे थे क्या टी क्यूब है ना, टी क्यूब का पावर 1 बाई 3 यहाँ नीचे एक्स क्यूब और यहाँ थ्री एक्स क्यूब टी स्क्वायर बाई टी इंटू डी टी यहाँ माइनस के साथ, ठीक है। अब ये और ये क्या हो गया कैंसिल, माइनस थ्री बाई टू बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा एट यहाँ हो जाएगा जीरो। अब देखिए ये क्या बचेगा यहाँ पर, अच्छा यहाँ टी स्क्वायर है ना, ये से ये कैंसिल हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू टी हो जाएगा टी क्यूब। अच्छा और कुछ बचेगा क्या, और कुछ नहीं बचेगा इंटू डी टी। अब आराम से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। इसको कर लेना है टी का पावर 4/4। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट को आपको चढ़ाने इसमें आता ही है, रख करके वैल्यू निकालिएगा। एक और क्वेश्चन है जो लिबनीज डिफरेंस मतलब डिफरेंशिएशन है, ठीक है, मतलब इसको डिफरेंशिएट कैसे करना है, लिबनीज थ्योरम पर है ये। तो अभी हम लेविनीज थ्योरम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है, क्वेश्चन कर देते हैं केवल, या थोड़ा सा बता देते हैं कंसेप्ट दे देते हैं। देख लीजिए याद रखिएगा, यदि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू रहेगा डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ लोअर लिमिट, देखिए यू ऑफ एक्स है, अपर लिमिट वी ऑफ एक्स है, और ये जो है ना टी का फंक्शन है, तब यदि मेरे को एफ डैश निकालना रहेगा, इसी को बोलते हैं लेबनीज थ्योरम बोलते हैं इसको, ठीक है। यदि मेरे को एफ डैश ऑफ एक्स निकालना रहेगा तो देखिए कैसे निकालेंगे हम, इसका जो अपर लिमिट है, ठीक है, इसका मेथड है अपर लिमिट को आप क्या करें यहाँ जो एक्स है उसमें डाल दें, टी की जगह पर डाल दें, क्या आ जाएगा एफ ऑफ यू ऑफ एक्स। अब फिर अपर लिमिट को नहीं भी है ना, ठीक है ना, फिर अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट कर लीजिए, फिर माइनस का साइन दीजिए, फिर लोअर लिमिट को जैसे वहाँ पर किए थे ऐसे ही करना है यहाँ पर एफ ऑफ यू ऑफ एक्स, और फिर यू ऑफ एक्स को डिफ्रेंशिएट कर लेना है, बस हो गया कहानी ख़त्म। अब जैसे देखिए क्वेश्चन है, इफ वाई इक्वल्स टू जीरो टू एक्स साइन क्यूब टी इंटू डी टी देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब मेरे को इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो अब ये कैसे पता चलेगा, लीनियर लेबनीज थ्योरम पर है ये, नीचे ऊपर क्या है यहाँ टी का फंक्शन रहेगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट एक्स का रहेगा, ठीक है, तो क्या करेंगे हम डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या करेंगे हम वाई डैश इक्वल्स टू इसको उठाएंगे टी की जगह पर डाल देंगे तो आ जाएगा क्या साइन क्यूब एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे वन इधर रखिएगा, इसको इसमें रखेंगे साइन जीरो जीरो, ठीक है, जगह साइन जीरो जीरो हो जाएगा है ना, जीरो का क्यूब भी जीरो, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जीरो ही आ जाएगा, तो मतलब इसका डीसी क्या हो गया साइन क्यूब एक्स। अब देखिए क्वेश्चन एनसीईआरटी में क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू है जीरो और यहाँ है एक्स टी इंटू साइन टी डी टी, और पूछ रहा है एफ डैश, एफ डैश जब हम निकालेंगे देख लीजिए क्या आ जाएगा, इसको उठाइए एक्स टी की जगह डालिए एक्स को टी एक्स इंटू साइन एक्स, और अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट कीजिए इधर जीरो ही आ जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स इंटू साइन एक्स इसका डेरिवेटिव, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं, ठीक है, जितना भी आज हम आपको पढ़ाए हैं मतलब कल पहला लेक्चर में डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ाए थे वो तमाम के ऊपर क्वेश्चन करा दिए हैं, फिर भी अभी क्वेश्चन बहुत सारा बाकी है करने के लिए, तो ऐसे एनसीईआरटी का एक फॉर्मेलिटी हम निभा रहे हैं करा करके क्वेश्चन सब, ये सब आप आराम से कर सकते हैं, समझ में आया क्या, आराम से ये सब क्वेश्चन हो जाएगा,
जो भी हम आपको जो थियोरेटिकल पोर्शन पढ़ाते हैं उसमें जो क्वेश्चन लगाते हैं उसमें काफ़ी कंसेप्ट वाला बात हम करते रहते हैं और उसमें फीलिंग भी आता है। यहाँ पर कोई थ्योरी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, केवल क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। जहाँ बच्चे को दिक्कतें आती है वहाँ हम उसको बता नहीं सकते, चूँकि पहले ही पीछे वाले लेक्चर में बताया हुआ आता था। ये लेक्चर है आपके प्रैक्टिस के लिए, आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप एक बार देख लो, ठीक है, नहीं तो बाद में कि बन रहा है तो आप बनाते जाओ। ये बात है, इसमें बनाया गया है कैसे क्वेश्चन को, इसको फील करना है केवल। ऐसे लीनियर लेबनीज डिफ्रेंसिएशन जो है ना, हम कल के लेक्चर में फिर से एक बार डिस्कशन करेंगे, और उसके बाद फिर जो जहाँ तक हम लेक्चर 1 लिए हैं उससे आगे का लेक्चर कल हम स्टार्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।